मैं एजाज काजमी, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर, अपनी ट्रेड यूनियन, अपनी पार्टी का। आज हमारा ये वन डे प्रोटेस्ट जो है, ये डेली विजर विजर नीड बेस, इनको रेगुलर करिए, जो कि 24/7 काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट अभी भी इनको कंफर्म करने में आना का नहीं कर रही है। जल्दी से जल्दी हमारे सारे कैडर की डीपीसी की जाए, मुलाजमों की डीपीसी की जाए, ताकि मुलाजम भी अपनी जो प्रोटेस्ट है ये ना करें, और इनकी जो तमन्ना है ये जल्दी से जल्दी पूरी हो, और रेड़ी फड़ी वालों को मुआवजा दिया जाए, ताकि ये जो लोग कोविड में परेशान हुए हैं इनको कम से कम राहत दी जाए, और बिजली के किराए जो कोविड पीरियड में दो एक साल से ऊपर के जो किराए हैं इंडस्ट्री के लोगों के, टूरिस्ट के, टूरिस्ट डिपार्टमेंट में वालों को भी मैं हदायत देता हूं आपके माध्यम से कि उनके लिए भी कुछ पैकेज दिया जाए, ताकि ये जो टूरिस्ट जो टैक्सी ऑटो इनका किराया माफ़ किया जाए, और बिजली का किराया माफ़ किया जाए, हमारे इंजीनियर जो इन्होंने अटैचमेंट किया है ये जल्दी से जल्दी वापस हों, और डेली विजिट को जल्दी से जल्दी कन्फर्म किया जाए। टैक्सी ऑटो रेडी फड़ी ये सब शॉपकीपर के टाइम के लिए, मैं खास कर पे देखो कितनी हैरानी की बात है, कर्फ्यू 8 बजे लग जाता है और रेस्टोरेंट और बार जो हैं ये 10 बजे तक खुले होते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट का, इससे फायदा नुकसान है हमारे ट्रेडर्स का। मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ, इसका टाइम कम से कम भी सुबह 7 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक करें, तो बाकी जो शॉपकीपर हैं वो भी अपना काम काज जो है वो ठीक ढंग से चला सकें, और हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं इनके लिए गवर्नमेंट को मौके देना चाहिए। डेली वेदर हीट बेस शॉपकीपर इंजीनियर जो हमारे सस्पेंड हैं उनको वापस किया जाए, मीटर लीडर जो 14 मीटर लीडर सस्पेंड किया है।